नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपन को स्वागत करछु मु दुर्गा आशीष। वर्तमान जहाँ टॉपिक अछि ये न्याय विडंबना ए न्याय परिकु न्याय आज समस्त नजर अछि आज ब्रेन मैपिंग उपरे से अभियुक्त नाबालकर ब्रेन मैपिंग उपरे आज नयागढ़ रे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रे सुनानी हबो किंतु कौन सुनानी हबो जल जल कर दिशुछि एति पई जे पॉलीग्राफ टेस्ट हला सेतबेले ह करथिला नाबालक किंतु नार्को एनालिसिस टेस्ट को मना कला नाही कला नार्को एनालिसिस टेस्ट हो पार्लानी। सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन कहूँ जे नाबालकर कौनसी टेस्ट पूर्वर बा पॉलीग्राफ हो नार्को एनालिसिस हो ब्रेन मैपिंग हो तहार सहमति दरकार किंतु जेहेतु नार्को एनालिसिस टेस्ट पाई मना करिछि नाबालक तेणु ब्रेन मैपिंग पाई भी मना करि पारे यार जथेष्ट संभावना अच्छी आउ जदि ब्रेन मैपिंग पाई मना करे ताहले बोथरा साहेब बोथरा सार कौठू प्रमाण आणिबे जो कथा बारंबार पूरा दृढ़ विश्वास सहित कहते जे आम पाखरे जथेष्ट प्रमाण अच्छी प्रमाणित करने केमिति प्रमाणित करिबे एटि गोटिए पोरे गोटिए कथा खुलासा होउची जहाँ दर्शाउची जे प्रमाणित करें अरुण बोथरा कोर्टरे जे दोषी दोषी बोली अभियुक्त नाबालक दोषी बोली प्रमाणित करें आदि प्रमाणित करें तो परी को कमी न्याय मिल गोटे पर गोटे उदाहरण देवी किंतु प्रथम आम सहित तो जोड़ी होती कलाहांडी विनीता दास आईनजीवी विनीता मैडम आपण को रिएक्शन नेबी से पॉलीग्राफ टेस्ट हो नार्को एनालिसिस टेस्ट हो बा ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो एटी जी अभियुक्त ताकू नहीं कि कौन रही गाइडलाइन प्रकृत में केमी हम जदि जन राजी नहब हो पार कि कौ आधार रे हुए से विषय टी कह आज्ञा जड़े जदि राजी न हो ताहले केबे भी टेस्ट हो पारिबोनि आ जेहेतु नाबालक होउची जहाँ को जे कहउचोंती कि से मर्डर करिछि अरुण बोथरांको कहिबा हिसाब रे से केबे भी टेस्ट पई जदि मना कले सेटा टेस्ट हो पारिबोनि कारण से जड़े नाबालक आ सुप्रीम कोर्ट रो गाइडलाइन रे भी अछि कि एई सबु टेस्टटा मान्यता देनि सुप्रीम कोर्ट जदि जे दोषी दोषी से जे दोष करिछि से जदि कहिबो नाई मु जहाँ कहूँ ठीक कथा एवं जो मैंने कम्प्लेन देखते पुलिस ये मानकर मिलित जदि गोटे बसिक डिस्कसन करवा समस्ते जदि गोटे कथा कहे कि नाई ये जहाँ कहूँ ठीक कहूँ रिपोर्ट ठीक अच्छे ताहले ताहाको मान्यता दि जाए पारे नहले तार कौन भैल्यू रहेनि। मैडम आउ गोटे जिनस आउ गोटे प्रश्न जदि भी ब्रेन मैपिंग है ए ब्रेन मैपिंग रिजल्ट बस ये जहाँ जहाँ आंसर दौटा कोर्ट ग्रहण करंती कि एटा क्रोट रे ग्रहणीय कि ग्रहणीय योग्य नुहे कारण सेई सबु जिंस सबु एटा सुप्रीम कोर्ट रो भी ऑर्डर हिची एटा कोर्ट रे कोनोसी प्रकार ग्रहणीय योग्य नुह जदि से जे को निजे मना करि दबो कि नाही मते किछि टेस्ट करेबार नाही ताले ताकु के जोर जबरदस्ती भी टेस्ट करे पारिबे नाही एटा ग्रहण योग्य केबे भी होई पारिबोनी ग्रहण योग्य नुह ये विनीता दास आईनजीवी भी कहउछंती। विनीता मैडम आउ गोटे प्रसंग को आसबि एटि अरुण बोथरा कहिले जे से अभियुक्त नाबालक रेप अटेम्प्ट करिछि दुष्कर्म उद्यम करिछि तार सीमेन कुनी झियर फ्रक रे लागिथिला बड़ कथा हेउछि से फ्रक को फोरेंसिक जांच पई पठागला नाही 95 डेज नवंबर 25 रे फोरेंसिक जांच पई पठागला आउ ताहा से पर्यंत नयागढ़ पुलिस रो हेफाजत रे थिला एते दिन पर्यंत कहीं नयागढ़ पुलिस हेफाजत रखिला कहीं फोरेन्सिक लैब को टेस्ट पठेलानी आउ जो रिपोर्ट आसला आश्चर्यजनक मुझे दूसरी कौन रिपोर्ट स्टेट फोरेन्सिक लैब रे रिपोर्ट कहूँ जे ह्यूमन सीमेन स्टेन वाज डिटेक्टेड से कुनी झीर फ्रक रु ह्यूमन सीमेन डिटेक्ट होता किंतु हूज ग्रुप कुड नॉट बी ओपेंड ड्यू टू डिग्रेडेशन ब्लड एंड सीमेन स्टेन कुड नॉट बी डिटेक्टेड अर्थात ये कहार सीमेन आउ ब्लड ग्रुप ये प्रमाणित करहबनी ये कहीहबनी डिग्रेडेशन जो एत दिन पर्यंत से सीमेन कहार केमी हम तालोले केमी प्रमाणित हम विनीता मैडम रिएक्शन ने भी सीमेन उपरे जो कथा कहते अरुण बोथरा फ्रक रु सीमेन मिलता आज्ञा डिग्रेडेशन हो गला एत दिन पर आईन कौन कौन इमिडिएटली करवा कथा संदेह तो आसवा कथा खास करके नाबालिका क्षेत्र में तो इमिडिएटली करा कथा आज्ञा यहाँ सत कथा इमिडिएट हवा कथा मु प्रथम कि 24 आवर्स भितरे
जदि रेप विक्टिम 24 आवर्स भितरे तार सब टेस्ट करा हुए ताहले रेप हेची बोलिकरि जणा पड़े तार 4-5 दिन ही गला परे भी जणा पड़ेनी एटा 95 डेज परे केमिति अरुण बत्रा प्रूफ करौचोंती ताहा तो गुटे आश्चर्य लागुची एटा कोनोसी प्रकार कोर्ट रे प्रूफ करे परिबे नाही कारण ब्लड लागी सीमेंट लागी ए सबु जिंसो केबे भी से प्रूफ करे परिबे नी कारण बहुत दिन ही गलानी 5-6 मास ही गलानी एबे कोन प्रूफ करौचोंती से नुआ पाठ पढ़ी चोंती कोन तो एटा किछि जानिहुनी किंतु कोर्ट रे प्रमाणित कला बुलिया तांको पाखरे कोनोसी प्रूफ नाही ना से प्रमाणित करिपारे कारण बहुत दिन ही गला एमाने अंग तस्करी को डायवर्ट करिबा पई ए सब कथा कहउचोंती आउ किछि कथा एमानकर नाही एटे रेप प्रूफ करिपारे नी कोर्ट रे अंग तस्करी को डायवर्ट करिया पई विनीता मैडम ए एलिगेशन जे जो कथा परी बापा मा कहउचोंती अंग चोरी हेछि एटा सत कथा अंग चोरी हेछि स्पष्ट भाव रे जणा पडुछि नहले बॉडी रो स्मेल काई कि आसिलानी जो केमिकल यूज हुए से केमिकल केवल हॉस्पिटल रे ही मिले सेटा कोनोसी लोकल लोकों को दिया जाय नी से केमिकल जो से लोग एंती खाली कोनो जे जहा को अरुण बोत्रा कहिबा हिसाब रे जदी से ही मर्डर करीची नाबालक जनक जदी मर्डर करीची से कोनो आघुरु एडे बडो क्रिमिनल थिला जे एमिति स्टाइल रे मर्डर करीची ता बॉडी को फोपाड़ी देची ताकु पुणी जोरी रे तार लेगिंग्स फोपाड़ी से पुणी आउरी एमती करी बंचाइची से एते बडो क्रिमिनल तो आघुरु तार क्रिमिनल रेकर्ड तो किछ नथिला अरुण बोथरा जो हिसाब से स्टोरी शुणुंटे यहाँ गोटे बहुत बड़ क्रिमिनाल ही सब माइंड तार चलो कि एमती एमती काम करवा कथा एमती मर्डर करवा कथा से तो एडे बड़ क्रिमिनाल नुह नाबालक जनक यहाँ केवल ही केवल अंग तस्करी को डाइवर्ट करने सब कहानी रचुचे अरुण साहू को बचेवाई ये सब कहानी रचुचे बाबुली नायक को बचेवाई ये सब कहानी रचुचे आमकर कौन सी मोटिव ना एमाने प्रूफ करे पारे खाली एमती ही कथा बार्ता होते एमती ही चली थोड़ा मैडम ये बड़ कथा जे मंत्री अरुण साहू सौम्यरंजन प्रधान को धमक दौले कौन नाबालक को बचाप गोटे 17-18 वर्षर पिला खाली गूगल सर्च करी गूगल सर्च करी करी आईपीएस प्रत्युष दिवाकर को बोका बनईदेला ना सी जाणी शुणी एभली करते नयागढ़ पुलिस 7-8 थर ताकू नहीं कि जेरा कला किंतु केमती जाणी पार्लानी कहीं आसिकी सर्च कलानी नयागढ़ पुलिस से अभियुक्त नाबालकर घरे अभियुक्त नाबालक से टावेल रक्त भिजा टावेल को साइतिक रखी घरे जे अरुण बोथरा सुपर कप आसबे आउ धरिबे से गामुछा को बिंता मैडम आज्ञा एटा सत कथा आपण कहले एठु तो गुटे बहुत बड़ मिछ प्रमाणित तो होउची कि अरुण बोथरा जेते बड़े कहिले कि गामुछा रखा हैथिला रक्त भिजा रा गामुछा आपण गुटे साधारण मु आपण मु मु गुटे साधारण लोक भावंतु त साधारण लोक हिसाब रे कोजी आईएनजीबी हिसाब रे कोउनी साधारण लोक गुटे रो भी ज्ञान अछि जे रक्त भिजा टावल बहुत दिन पर्यंत रहेनी आ से काहे कि रखिबो अरुण बोथरा आसीबे ताकु धरी गिरि जिवे बोली कि रखिबो एटा सब मिछ मनगढ़ कहानी कहउचंती एटा समस्ते जानि सारलेनी साधारण लोक समस्तंकर मुंडरे एक कथा पसि सारलानी कि एटा अरुण साहू को बंचेबा पई ए सब जिंस करउचंती आपण जो कहिले सरपंच को काहे कि फोन करले अरुण साहू कोन से एई नाबालक को तो चिन्ह नहंती अरुण साहू तो ताहले पुलिस काहे कि 5 मास हलानी एमान को धरि पारलानी ए सब जिंस निश्चय प्रश्नवाची सृष्टि करउची समस्ते एई जिंस ही कहउचंती कि काहीं कि अरुण बोथरा धोरीना एसआईटी टीम गठन करने को पड़ ही नाता जदि पुलिस इमीडिएट एक्शन नहीं था पुलिस इमीडिएट एक्शन ने कारण ये मंत्री संपुक्त अच्छा यहाँ अंग तस्करी कथ पलि आसा परीर माँ बापा जिते अभियोग कर तो पुलिस केमती इमीडिएट एक्शन नब इमीडिएट आउ गोटे बड़ कथा ये अरुण बोथरा कहते से साबुन लगे कि बहुत चेष्टा कला सफा करने किंतु सी जे गूगल सर्च करते कांड घटे दौर से एत बोका आपड़ जो कथ कहते से एत बोका जे से रक्त भिजा दाग छाड़िलानी से किंतु घरे रखिला ताकु पोड़िलानी कि नहीं कि कोठी पकेलानी से घरे साइतिक रखिला जे सार आसीबे सुपर कप अरुण बोथरा आसीबे आउ ताकु जबत करिवे आज्ञा एटा सत कथा एबे अरुण बोथरा सार जो कही चंती गुटे छोट छुआ कहिला बुलिया कहउ चंती कि गूगल सर्च रो किछि रिपोर्ट देलेनी केबे पर्यंत एबे पर्यंत काहा को गूगल सर्च रो किछि देइ नहंती प्रूफ तार फोन जबत कराई गूगल सर्च रिछ रिपोर्ट आउ गोटे कथा कहूना एवं जिते बड़े नाबालक जनक मर्डर करके ठीक अच्छे अरुण बोथरा कहवा हिसाब से रक्त भिजा टावल टा के फिंगिलानी से रक्त भिजा टावल टा के पलिथिन बांधिकी पानी पकेलानी ये कथार जवाब दौना अरुण बोथरा जे प्रूफ फिंगिदेला तार लेगिंगस फिंगिदेला तार ड्रेस फोपाड़ी देला
तो ताहले टावल टा काई के फोपाड़िलानी से टावल टा कोन रखी देला अरुण पथरा आसीबे देखिबे बोली एटा खाली मनगोड़ा कहानी मु एबे भी कहूची आगो को मध्य कहूथिबे अंग तस्करी को डाइवर्ट करिबा पई ए सब मनगोड़ा कहानी होउची जदी अंग तस्करी उपरे सीबीआई इंक्वायरी हुए ताहले पोरी को निश्चित भाव न्याय मिलिबो जदी एमिति इंक्वायरी चले ताहले पोरी को कोन 5000 निखो शिशु को भी न्याय मिलिबो विडम्बना विनीता मैडम ये आउ गोटे बड़ प्रश्न आप जड़े आईनजीवी आईन को भल भाव जानते एटी पीड़िता स्टेटमेंट रेकर्ड है एटी पीड़िता जी बापा माँ परीर बापा माँ स्टेटमेंट रेकर्ड है ना नयगढ़ पुलिस करी ना एसआईटी करी से माने जो मानक ना नौ बाबुली नायक डुगु नायक कानू बेहरा कानू नायक एम को तदंत परिसर को नि एनसीपीसीआर भी असंतोष प्रकाश कले एसपी आउ कलेक्टर को उपरे जे काहीकि तांकर स्टेटमेंट रेकर्ड हैनी याठू बड़ विडम्बना कौन हो पारे गोटे छोटो पिला को हत्या करा जाउची अपहरण परे हत्या करा जाउची किंतु बापा मांकर स्टेटमेंट रेकर्ड कराहुनी बापा मांकर स्टेटमेंट एक्चुअली सर जो माने जे मर्डर करिछि बोली कि जे अभिजोग करिछि तार 164 स्टेटमेंट बयान करबा कथा रेकर्ड करबा कथा ए माने किछि करी नाहंती स्टेटमेंट कौन रेकर्ड करिवे ए माने तो कहा को जेरा आका करी नाहंती जो मानकर ना निया हबो मर्डर कराई छि बोली गिरी से मानकु कम से कम 15टा जन को भी जदी पुलिस चाहिबो ताहले नेकिर जेरा करी कि पछरा उचरा करी परिबो थाना रे बसेकिर पछरा उचरा करी परिबो तार अछि नियम अछि ल अछि किंतु ए सब जिंस कोन पछरा उचरा कोन करिबो से तो उल्टा परीर मां बापा को टॉर्चर करी चली चोंती स्टेटमेंट रेकर्ड न कले तो कोनोसी जगह से माने प्रूफ करी परिबेनी तो स्टेटमेंट आका जेतबे रेकर्ड हेनी एटु स्पष्ट भाव रे जणा पडुची ए माने केमती आइन को भी बुले बांकी गिरी देखौचोंती कि एमिति कले एटा को आमे कोर्ट रे प्रूफ करै देबु आमे गूगल सर्च प्रूफ करै देबु आमे सीमेंट टेस्ट प्रूफ करै देबु ए सबु जिंस खाली बुलौचोंती लोकन को भुआ बुलौचोंती ए सबु कोनोसी जिंस रो आ कोनोसी फळाफळ मिलिबनी मते लागुचि आ एसआईटी तदंत जेमति चालिलानी आ जेमति आगो को सबु कथा मोल्डी गला मते आ लागुनी कि परी को ए सबु जिंस रे न्याय मिलि पारिबो याति परी को न्याय मिलिबो ये बड़ प्रश्न एबे जे परी को न्याय मिलिबनी एवं आ गोटे बड़ कथा आसुचि जे ये परी सहित 5000 पिला 27000 पिला 5 वर्ष रे निखोज अछंती अंग तस्करी रा सांघातिक अभिजोग आसुचि ताहले ये कहीं कि तदंत परिसर को आसिबनी आपण जो कथा कहिले जे ये 27000 पिलांक कथा ये निखोज पिलांक कथा आउ अंग तस्करी को डाइवर्ट करिबा पाई ये एक षडयंत्र कि जदि अरुण बोथरा गप कहउछंती ए कहानी रा रचयिता किए गृह राष्ट्र मंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र कि से तो प्रथम रु ही जेतेबेले रूलिंग देले बाचस्पति जे मंत्री संप्रति अभिजोग आसुची पदुटीए भी कहलेनि मंत्री अरुण साहू को नहीं कि आसेम्बली रे आउ जो उत्तर रखिले जे आसटन करी हबनी कही हबनी जे रेप है कि ना आ मृत्युर कारण किंतु रेप एंड मर्डर रो थ्योरी आसिला ता माने ये कैप्टेन ये होउछंती ए स्क्रिप्ट रो रचयिता बिंता मैडम आज्ञा से ही स्क्रिप्ट रो रचयिता आ से प्रथम थोर जते बळे मुह खुलिले एही कथा ही कहिले कि कौनसी प्रकार प्रूफ करे हबनी रेप मर्डर हे थई पारे प्रूफ करे हबनी ए सब जिंस त आमे प्रथम रु ही जानि देलु कि एही जिंस ही एसआईटी तदंत रे आसीबो एही जिंस ही कहिबे कारण से गुटे हिंट्स दे देले जे एमिति प्रकार आमे केस को बुले पारिबु से गुटे हिंट्स दे छथि कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र कि एमिति करिकरी आमे आमर मंत्रिमंडल को बंचे पारिबु एटा समस्ते जानि छथि दुनिया आमर ओडिसा वासी त कोन बोका नुह जे ई सब कथा जानि पारिबेनी आउ मु एबे भी कहुची आगो को मध्य कहुथिबि जदि रेप केस रु डाइवर्ट करिबा पई ए माने अंग तस्करी रो सब जिंस को लुचे दउ चंती जदि सीबीआई इंक्वायरी हुए जदि सीबीआई इंक्वायरी हुए अंग तस्करी उपरे ताहाले ही समस्त को न्याय मिलिबो परी को न्याय मिलिबो परी रो मां बापा को न्याय मिलिबो नहले ए मानकर शासक दल जते दिन पर्यंत चली थिबे कोनोसी प्रकार ना परी को न्याय मिलिबो ना कोनोसी झियो को न्याय मिलिबो अंग तस्करी उपरे सीबीआई इंक्वायरी कले ही किछि आमे फळाफळ पाई परिबा मु सेते बळे भी कहथिली मोबे सीबीआई तदंत हौ ये राज्यवासींकर दाबी ये सेई गरीब बापा मांकर दाबी ये तांक जो माने तांक पिलांको हरैचंती जो मानकर पिला निखोज अछंती ये अरुण बोथरांकर आउ गोटे गप उपरे मु नजर पकेया पई चाहिबि जो कथा वरिष्ठ आईनजीवी माने भी कहउछंती विनीता मैडम आपणकर भी मने थिबो राज्यवासींकर मने थिबो जो दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कले अरुण बोथरा से दिन कहिले
जे परी जामुकोली खाइबा पाई से अभियुक्त नाबालक घर को जाइथिला आउ सेठी अभियुक्त नाबालक ताकु गोटे रूम को नै गला सेठी प्रथमे तंटी चिपिकी हत्या करी देला एवं ता परे रेप अटेम्प्ट करिछि। ये होची अरुण बोथ्रांकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रे स्टेटमेंट, किंतु मु आपन को देखौछि अभियुक्त नाबालक जो कन्फेस करिछि बा जो स्वीकारोक्ति ता उपर नजर पकांतु सेथरे कोन लेखाइछि। सेथरे लेखाइछि इट वाज अबाउट 10:30 to 11 AM ही कॉल्ड परी माने से नाबालक परी को डाकिला। ही कॉल्ड परी हु वाज प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस माने परी से अभियुक्त नाबालक घर सामने खेलुला से घर सामने खेलुला ये डाकिला से जामुकोली खाया जाइनी ये डाकिला। तापर देखंतु ही कॉल्ड परी हु वाज प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड टुक हर इनसाइड द हाउस एंड क्लोज द एंट्रेंस गेट एज ही वाज वेरी मच एक्साइटेड टू एंजॉय सेक्स ही इमीडिएटली अनड्रेस्ड परी एंड अटेम्प्ट टू डू सेक्सुअल एक्ट बट सडनली ही चेंज हिज माइंड एंड आउट ऑफ फियर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ हिज आइडेंटिटी ही कमिटेड मर्डर। एटी कौन लिखा हो देखंतु एटी जामुकोली कथा नाही ताले जामुकोली गप कहउतिले अरुण बोथ्रा। एटी कहा जे परी खेलुला ये अभियुक्त नाबालक ताकु डाकिला एंट्रेंस गेट बंद करदेला तापर अनड्रेस्ड कला एवं सेक्सुअल आक्ट अर्थात दुष्कर्म पर उद्यम कला किंतु हठात तार माइंड चेंज हो गला एवं से भाविला जे ताकु के चिन्हदब तार आइडेंटिटी जना पड़ से ताकु तंटी चिपिकी मारदेला हत्या करदेला। किंतु अरुण बोथ्रा कौन कहले अरुण बोथ्रा कहले जामुकोली खायापाई जाइथिला ताकु रूम को नहीं गला प्रथमे मारिदेला एवं तापरे दुष्कर्म उद्यम कला। एटी तालमेल ना कोर्टे केमिति प्रमाणित करिवे बिनता मैडम एटी तालमेल ना केमिति हबो एठी तो कौनसी प्रकार तालमेल लगुनी हेटा आमे आगरु डिस्कशन करिचु किंतु ए जो जामुकोली खाई जाइथिला एटा जो मनगड़ा कहानी सुनोचंती से ताकु अभियुक्त ताकु डाकिनला परी तो गुटे झियो नथिला ना सेठी तो जामुकोली कथा आसिला कोठु आपण जेंती कहउचंती सत कथा कहउचंती एटा गुटे एटा अरुण बोथ्रा परीर कहानी सुनो नहंती एटा अरुण बोथ्रा शासक दल सांगरे मिसिकरी जो डिस्कशन करिचंती सेटा गुटे बाउली चाउली हेकरी डिस्कशन करिकरी एटा मीडिया सामना रे कोण कहिबे कारण समस्त प्रूफ मागिले सेतेबेले इमीडिएट समस्त अरुण बोथ्रा रो रिएक्शन चाहुतिले तो सेति पई एटा गुटे मनगणा कहानी सुनिचन ए सब जिंसर कोनसे तालमेल नै एटा कोर्ट रे प्रूफ करे परिबे नि से कोर्टर प्रूफ भाया कौन प्रमाण ना पाखे कोर्ट एवं के कौन से जिन ग्रहण करसबू स्टोरी भरबाजी मुहर में कहार स्टोरी कौन सी बिना प्रूफ रे कोर्ट के किसी जिनस ग्रहण कैनि यहाँ अरुण बोथ्रा भी भल कि जानी थे कि मजबूरी अच्छी आपत जमी कहते कि आमर तो गोटे भयस रेकर्ड तो भाइराल स्पष्ट भाव में जना पड़ी कि से डरुं मो सरकार को से मो सरकार दरमा जो पाँच को डरुं तो से कहे केमी मनगढ़ा कहानी ही शुणुवे कौन से तालमेल नहीं कोर्टे कौन से प्रकार प्रूव ही पार्टी जो अडियो कथा कहते ये एस आई टी ये राज्य सरकार को द्वारा गठित एस आई टी राज्य सरकार मंत्री अरुण साहू आउ एस आई टी को अरुण बोथ्रा भय केते भय टे आप शुणी दिं केते भय अरुण बोथ्रा टे शुणी दिं अरुण बोथ्रा सर आईपीएस तमे कहीं लिखुचो तमे कहीं लिखिचो अरुण बोथ्रा काम करछि मो सरकार काम करू नै फालतू जिन रिप्लाई कर मो अमर इमरजेंसी को रिप्लाई करना सर यू आर आंसरिंग अननेसेसरी ट्वीट्स बट व्हाट वी रिक्वेस्ट फॉर इमरजेंसी यू आर नॉट फ्री देयर सर गोटे झियो हेल्प दरकार हेल्प करनु
ତମେ ଯାଇ କରୁନ ସାରା ହେଲ୍ପ, ମୁଁ ତ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ୟାକୁ ତମେ କରିଦେଇ ଯାଇକି। ସରି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ହଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିନଥିଲି ସାର୍। ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ୟାକୁ କହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ତମକୁ ଧରିକି ମୋ ପାଖେ ପଠେଇବେ, ତମେ ମତେ ବତେଇବ ମୋର କଣ। ସରି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ, ତମେ ମତେ ଦରମା ଦେଉଛ ନା କଣ କାମ ପାଇଁ? ନାଇଁ ସାର୍, ସରି ସାର୍, ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍, ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟ, ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଏତେ ଭୟ, ସେ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ପରିର ବାପା ମା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛି, ଆଉ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ଆଉ ବାବୁଲି ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବାବୁଲି ନାୟକ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିନି। କାହିଁକି ଆସିନି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ପୀଡ଼ିତାର ବାପା ମା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ନୟାଗଡ଼ ଯିବା, ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ଆଜିର କ'ଣ ଅପଡେଟ୍? ଆଜି କେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଶୁଣାଣି ହେବ, ପୁରା ଖବର ଘଟଣା ଆଜି କ'ଣ ଅଛି, ଆଜି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଗାଜୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ SIT ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଏବଂ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 10:30 ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଗୁଳର ସୁଧାର ଗୃହରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଓକିଲ ଆସିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଥିଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାର୍କୋଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ହୋଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଉ ଦୁଇଟି କଥା ଯାହାକି ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ଟି ଜବତ କରିଥିଲା SIT ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତାର ମିଳିଥିଲା, ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ପରୀର ଯେଉଁଟା ଶେଷ ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା କିଛି ଦେହାବଶାଷ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ସେ ବସ୍ତା ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତାର ସିଜ୍ କରିଥିଲା ଯେଉଁଟା ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ। ତାପରେ SIT ର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛି ସିଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ କିଛିଟା ତାର ଜବତ କରିଥିଲା ସେ ତାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଉଭୟ ତାର ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯିବ କୋଲକାତା। କିନ୍ତୁ SIT ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଟା ଗୁଜୁରାଟ ପଠାଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ସେଟା ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ କୋଲକାତା ପଠାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପକ୍ଷର ଓକିଲ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଯାହାକୁ ଫସା ଯାଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ SIT ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ SIT ର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିବା କଥା ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଏତେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କିପରି ଘଟାଇ ପାରିବ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ସିଏ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲା ତେବେ ତାକୁ ଏତେ ମାନେ ପୋଲିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲେ କାହିଁକି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରୀର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ସରକାରୀ ପକ୍ଷର ଓକିଲ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂର ଆଜି ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁଗୁଳ ସୁଧାର ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଆଜି ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂର ତାଙ୍କୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାର୍କୋଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା January 8ରେ ସିଏ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପକ୍ଷର ଓକିଲ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟରେ ସିଏ ହଁ କହିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେଇଟା ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ସିଏ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟି ହେବ ସେଥିରେ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଏ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି। ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁଶାନ୍ତ ଥିଲେ, ପୁରା ଖବର ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଆଜି ଯାହା ହେବ ତା ଉପରେ ନଜର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ମନା କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ମନା କରିବେ ତାହେଲେ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ କେଉଁଠୁ ପ୍ରମାଣ ଆଣିବେ? ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପରୀକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ବିନୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍, କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଏଠି ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାହେଉଛି ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ କେସ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଗଡ଼େଇବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଭୁଲିଯିବେ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରେସର କମିଯିବ, ଆଉ କୁନ୍ଦୁଲି ପିପିଲି ଟିକିରି ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲାନି ପରୀକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜୁତି ଚାଲିଥିବ ଏମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ନା କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ନା କାହାକୁ ବି ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳର କଥା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ ସେଥିରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇ ଦଉଛି କି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି କିରି ମୋଲ୍ଡ କରାହବ, ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡାଇଭର୍ଟ କରାହବ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟତ କରିଦଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିସାରିଲୁଣି। ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ବନେଇ ଦେଲେଣି, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ CBI ତଦନ୍ତରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଉପରେ ଯଦି CBI ତଦନ୍ତ ହୁଏ
ତାହେଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ନହେଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବନି। ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବିନୀତା ଦାସ ଆଇନଜୀବୀ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀକୁ ଲିଙ୍କ କରିକି, କାରଣ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 27,000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଶ୍ର, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବିଲକୁଲ ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ଆଉ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ମାରିକି ବସିବେ? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ଇଏ, ଏମାନେ ଗରିବ ବୋଲି ୟାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ? ଏଠି ନ୍ୟାୟ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା ଖୋଦ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରୀକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବାପା ମାଆ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଗସ୍ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ, ଏବଂ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ଥିଲୁ, ଆଗକୁ ବି ସାମିଲ ରହିବୁ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଉପରେ, ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକନିକ୍ ଖବର ତ ଦେଖିବେ, ତା ସହିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି ଦେଖିବେ, ଆନାଲିସିସ୍ ବି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଏ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ତର୍ଜମା ବି ଦେଖିବେ। ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ 8 ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।